हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार यहाँ पे देखो सेकंड लिस्ट आ गई है। आप देखो सेकंड लिस्ट किस किस की आई है, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा ग्रुप ए वाले चिल्ला रहे थे, उनकी जो सेकंड लिस्ट आ चुकी है, बीएससी की आ चुकी है, बीएससी एग्रीकल्चर की आ गई है और बीए की आ चुकी है। तो भाई मैं यहाँ पर बोलूँगा जो बीए वाले हैं और बीएससी एग्रीकल्चर, इनके भाई भाग अच्छे हैं, क्योंकि इनको बुलाया गया था वीवोक नॉन साइंस और साइंस ग्रुप के एडमिशन के लिए बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। तो इसका मतलब ये था कि सीट नहीं बची है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट निकाल दी है। तो भाई आप लोगों का जो गुड लक है कि सेकंड लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर डिप्लोमा ग्रुप ए वालों की मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो आपको वैसे पता ही है कि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है, यार ये काउंसलिंग होगी 1 अगस्त को, आपको काउंसलिंग करानी है, यानी कि कल आपको काउंसलिंग करानी है। और ये रोल नंबर है, आप देख लो भाई। और ये बोलूँगा भाई जिसके जिसके यहाँ पे नाम आए, काफ़ी वेट करने के बाद ये नाम आए, तो यार प्लीज़ आप लोग जो चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि ये खुशी ही जाहिर कर लो यार भाई। और ये फाइनल एडमिशन होंगे भाई, मुझे लगता है इसके बाद काउंसलिंग में जो भी नाम आएगा वो फाइनल होंगे। और ये वुमेंस पॉलिटेक्निक वाले भी इसमें ऐड हैं, सब लोग हैं, देखो सबका इसमें लिस्ट में नाम है। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से स्टूडेंट है, आईसीटी सेंटर वाले या मेन कैंपस वाले, इसका कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, पर जब काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। इसके बाद यार मैं बीएससी वाला एक पीडीएफ ओपन करके डिस्कस कर ले रहा हूँ कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है बेस से, तो आप लोगों को सब पता ही होगा, आप लोग क्या चेक भी कर चुके हो, पर मैं अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी जुड़े हुए मेरे चैनल से। तो यहाँ पर भी 1 तारीख को ही आपका जो काउंसलिंग है 1 तारीख को ही होगी। तो आप देख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है ये बीएससी वालों की, अपना देख लो, चेक कर लो भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल वो लेके जाने हैं। और काउंसलिंग ये पहले ऑनलाइन होगी, उसके बाद आपको ऑफलाइन कैंपस जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आपके मेल पे एक गूगल फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल करके सबमिट कर देना है और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। फिर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे वही आपको लेके वहाँ पर जाना है। तो भाई आपका जो इंतजार है वो ख़त्म हुआ, और यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे बताएं। और भाई आप लोगों का लिस्ट में नाम आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे भी सपोर्ट करें। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।